वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के दूसरे दिन के मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी के बारे में एंड दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, फर्स्ट दिन के जो कलेक्शन है वो बहुत ही निराशाजनक है। जितना हम सोच के चल रहे थे उससे कई गुना कम इसके ऑफिशियल कलेक्शन आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं ये पता नहीं। लेट्स सी प्रोड्यूसर्स इसे ऑफिशियली रिवील करते हैं या नहीं करते हैं। कल के दिन को देखकर एक बात समझ में आ चुकी है कि जो आम जनता है वो अभी फिलहाल सिनेमा घर जाने के मूड में नहीं है। एंड इतने बड़े स्टार अक्षय कुमार की फिल्म को भी अगर वो देखने नहीं जा रही हैं, देन गाइस एक्सपेक्ट नो बिग फिल्म्स टू रिलीज एनी टाइम सून। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। एंड बेल बॉटम के रिस्पॉन्स को देखकर मुझे नहीं लगता कि बड़ी बड़ी फिल्म मेकर्स जैसे कि सूर्यवंशी, 83, KGF, RRR, ये अपनी सारी की सारी फिल्में अब सिनेमा घर में इतना जल्दी रिलीज करने के लिए तैयार होंगे। यस, बेल बॉटम के मेकर्स ने बहुत ही हिम्मत वाला डिसीजन लिया। अब उनको बैकफायर होता है या नहीं होता ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इतनी भी ऑक्यूपेंसी में बेल बॉटम इज अंडर परफॉर्म ऑन इट्स फर्स्ट डे। लेकिन गाइज अभी पूरी तरह से उम्मीद हारे नहीं है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल संडे का दिन है एंड लेट्स सी रक्षाबंधन एंड ओनम इस फिल्म के कलेक्शंस को कितना हेल्प करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म के पास कोई टाइम क्रंच है नहीं, यानी कि अगले हफ्ते कोई बड़ी फिल्म इतनी नहीं आ रही है, चेहरे ही आ रही है। तो चेहरे के अलोंग बेल बॉटम साथ में चल सकती है, फिर फास्ट एंड फ्यूरियस आएगी उसके साथ ही बेल बॉटम लंबा चल सकती है। लेट्स सी कितना है कमाती है। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं फॉर द डे टू बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस एंड द मॉर्निंग शो ऑडियंस ऑक्यूपेंसी। फ्रेंड्स, मॉर्निंग शोज की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली NCR रीजन जो है वो सबसे मजबूत दिख रहा है। जहां पर 14% की ऑक्यूपेंसी है वहां पर 478 शोज है। हम 2D वर्जन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बैंगलोर 4%, हैदराबाद जस्ट 5%, यहाँ पर चेन्नई, मुंबई, पुणे तो खुला नहीं है, जयपुर 25% विच इज इनकरेजिंग, भोपाल 22%, लखनऊ 31% है, सूरत 12% है, कोलकाता 55% है, अहमदाबाद 21% है। एंड सब जगहों पर फिल्म ने कल जितनी ओपनिंग ली है यानी कि लगभग द मॉर्निंग शोज हैव टेकन अ गुड ओपनिंग ऑफ 16-17%। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेल बॉटम कहीं ना कहीं अपने दूसरे दिन पर 3 से लेकर 3.5 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। यस फ्रेंड्स, 3 to 3.5 crores का बिजनेस बेल बॉटम अपने दूसरे दिन में कर सकती है। एंड बात करें 3D शोज की तो 3D शोज बहुत अच्छे चल रहे हैं कोलकाता में। 46% की ऑक्यूपेंसी है कोलकाता में, चंडीगढ़ में अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी है, 35% की ऑक्यूपेंसी है, भोपाल, पुणे, मुंबई, चेन्नई मार्केट्स हैव नॉट ओपन, दिल्ली NCR इज 17% विद वॉपिंग 340 शोज। ऐसा नहीं कि इस फिल्म को शोज नहीं मिले, यहाँ शोज की दिक्कत ही नहीं आ रही है, शोज अच्छे खासे मिले हैं, भर भरा के मिले हैं। बैंगलोर में 138, कोलकाता में 101, हैदराबाद में 78, उसके बाद अहमदाबाद में 66 शोज अच्छे खासे मिले हैं। यूजुअली नॉर्मल टाइम में जितने शोज मिलते थे दिल्ली NCR में उतने ही मिले, लेकिन OTT की आदत, पायरेसी एंड अभी इतना जल्दी लोग रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, यही कारण है लोग सिनेमा घर नहीं आ रहे हैं। ओके गाइस, सो लेट्स सी बेल बॉटम अभी ऑडियंस को सिनेमा घरों में खींच पाती है या नहीं खींच पाती। ऐसे ही चलता रहा तो इसका वीकेंड जो रहेगा 3 दिनों का कहीं ना कहीं 13 या 14 करोड़ पे ही रुक जाएगा। अनफॉर्चुनेटली दिस फिल्म हैज सरप्राइज्ड एवरीवन एंड शॉक्ड एवरीवन इन द ट्रेड। इवन द मेकर्स डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतने कम कलेक्शन आएंगे। ओके गाइस, अभी फिलहाल मॉर्निंग प्रेडिक्शन डे टू बेल बॉटम 3 से लेकर 3.5 करोड़। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा लेट्स सी प्रेडिक्शंस ऊपर आते हैं नीचे जाते हैं, ये सब ऑडियंस पर डिपेंड कर रहा है। हम तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑडियंस आएंगी, टिकट्स लेंगी, थिएटर में जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं आते इसमें हमारी कोई गलती नहीं। इसमें अमन साई साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन एंड लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल कलेक्शंस ऑफ डे 1।